नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुक फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ खस्ता गाजा की रेसिपी, जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में बहुत फेमस है। और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम समय में थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, उसमें डाला चुटकी भर नमक और 1 चम्मच चीनी, और साथ ही हम डाल देंगे घी। तो घी हमने 4 से 5 चम्मच लिया है, और घी को डाल के हम पहले मैदे के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने घी को मैदे में मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमने 2 चुटकी डाली है, और सोडा को भी हम अच्छे से मिलाएंगे। और फिर थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैदे को हम इस तरह से मुट्ठी में बांध करके देखेंगे कि हमारी मोयम परफेक्ट है कि नहीं। तो देखिए, मोयम बिल्कुल परफेक्ट है, अब हमें घी की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें पानी डाल करके इसका एक मतलब सख्त आटा लगाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रहे, आटा लगाते वक्त हमें आटे को बिल्कुल भी मसलना नहीं है, इसे हम सिर्फ इकट्ठा कर लेंगे, तभी हमारी जो गाजा है वो परफेक्ट बनेंगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे ऊपर से इस तरह से चिकना कर लेंगे, और फिर इसे हम ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने 1 कटोरी चीनी ली है, और उसी कटोरी से हम ले लेंगे 1 कटोरी पानी, जितना चीनी उतना ही पानी, और फिर इसे हम पकाएंगे, और इसकी हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो इसे पकाते हुए हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो देखिए, हम थोड़ा सा चेक करेंगे तो अभी चाशनी नहीं बनी है, तो इसे हमें थोड़ा और पकाना है। चाशनी हमारी ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, वरना हमारी गाजा के ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाएगी चीनी की। तो देखिए, चाशनी बन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 बूंद नींबू का रस, और साथ में हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा फूड कलर, इससे गाजा में बहुत अच्छा कलर आएगा। फूड कलर डालने के बाद हम चाशनी को मिला लेंगे और इसे हम ढक करके रख देंगे। जब हम गाजा को चाशनी में डालेंगे, तब हम चाशनी को फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो चलिए, अब हम गाजा बनाते हैं। तो देखिए, हमने जो मैदा सान के रखा था, उसमें देखिए कितनी क्रैक्स हैं। तो हम इन क्रैक्स को ऐसे ही रहने देंगे, और फिर इसे ऐसे हाथों से हल्का दबा लेंगे, और इसे हम बेल लेंगे। इसे बेल करके इसको हम एक चौकोर शेप देंगे। तो चौकोर शेप देने के लिए हम साइड्स को इस तरह से काट लेंगे, और कटे हुए पोर्शन को भी हम उसी के ऊपर रख देंगे, और इस तरह से फैला लेंगे ताकि ये सेट हो जाए इसके ऊपर, और फिर हम इसे पलट के इसे बेलेंगे। तो इस तरह से हम चौकोर शेप का ही बेलेंगे, और हाथों से इस तरह थोड़ा सा हम इसका शेप ठीक करते रहेंगे। तो देखिए, ये बेल लिया हमने, इसे हमने इसे इतना ही मोटा रखा है। तो अब हम इसे काट लेंगे। तो मैं पहले इसे लंबा लंबा काटूंगी, और फिर इसके एक स्टेप को लेके मैं इसे चौकोर चौकोर काट लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा लंबा भी काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी काट सकते हैं। तो मैंने सारे को काट लिया। अब हम फ्राई करेंगे। तो तेल हमें एकदम हल्की गर्म चाहिए, हमने चेक कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे गाजा को। तो गाजा को डाल के हमें इसे एकदम लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो थोड़ी देर बाद देखिए, गाजा ऊपर आ गई। अब हम इन्हें पलट लेंगे, और इसी तरह से हम पलट पलट के इसे हम पकाएंगे। और थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम हीट को थोड़ा बढ़ा देंगे, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए। मगर इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा हीट को बढ़ा देंगे, मीडियम कर देंगे। तो चलिए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, एकदम क्रैक्स आपको दिख रही होंगी। तो इसे निकालने के बाद अब चाशनी को हम गर्म कर लेंगे, हल्का ही गरम करेंगे चाशनी को, क्योंकि गाजा हमारी गरम है। अब हम एक एक करके गाजा को डाल देंगे, और चाशनी हमने कम ही बनाई है, क्योंकि हम घर के लिए गाजा बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चाशनी हमने नहीं बनाई है। तो हम बर्तन को थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे, और सभी गाजा को इस तरह से घुमाते हुए इस चाशनी में अच्छे से डुबो लेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं, हम 1-2 मिनट के लिए ही गाजा को रखेंगे, और फिर इसे निकाल देंगे। तो लीजिए, तैयार है खस्ता गाजा। तो आपको अगर इसी तरह की रेसिपीज़ देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।